गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। आज हम ये टॉपिक करेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर मीन्स कि आप उनका ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर, राइट। आपको टू फ्रैक्शंस गिवन होंगे, वहाँ पे आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फ्रैक्शनल नंबर्स मीन्स द नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, एंड यू ऑलरेडी नोज अबाउट द व्हाट इज द फ्रैक्शन नंबर्स, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, राइट। नाउ अबाउट दिस, देर आर टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज इफ two fractions, if two fraction have the same numerator, numerator means upper value, downside value, upper value, सेम न्यूमरेटर, जिनका ऐसे दो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम हो, देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर with smaller denominator is the greater fraction. Once again, if two fractions have the same numerator, जिनकी upper value same होगी, then the fraction with smaller denominator, जिसका denominator छोटा होगा, जिसकी downside की value कम होगी। Remember, टू फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शंस के बीच की बात है बेटा, कि जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन लार्ज होगा, राइट। ऐसे फ्रैक्शंस, आप दो फ्रैक्शन को कंपेयर करोगे, ऑर्डरिंग मींस कि आपको दो फ्रैक्शंस को ऑर्डर में रखना है, विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, राइट। लाइक 1/3 एंड 1/4। नाउ सी, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, अपर वैल्यू दोनों में सेम है, डाउन वैल्यू में विच वन इज स्मॉलर, 3, सो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर दिस पॉइंट। जब आपके न्यूमरेटर सेम हो दोनों फ्रैक्शंस में, तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकंड पॉइंट, इफ टू फ्रैक्शन two fractions have the same denominator, then the fraction with greater numerator is the greater fraction, then that one is the greater fraction. If two fractions have the same denominator, अगर downside दोनों की value same है, opposite करते हैं, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेट न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। वंस अगेन द एग्जाम्पल इज 6/5 एंड 4/5, राइट। सी, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, देन द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन बिग होगा। क्लियर, रिमेंबर दिस थिंग,
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शंस, जिसकी फ्रैक्शन की भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। एंड इफ न्यूमरेटर आज सेम एंड डिनोमिनेटर आज डिफरेंट, तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगा वो लार्ज फ्रैक्शन होगा। क्लियर दिस? नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, 2/5 एंड 2/7। सी बेटा, दोनों में क्या है, न्यूमरेटर सेम है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है तो दैट फ्रैक्शन इज बिग। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, बिग। सो विच वन, 5 or 7? 5। क्लियर? नाउ बी पार्ट, 3/7 एंड 3/8। सी वंस अगेन, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है दोनों में, डाउन साइड 7 और 8। विच वन इज बिग, 7? रीजन है उसके पीछे बेटा, डाउन साइड में जो वैल्यू स्मॉल होगी, 7 स्मॉल है तो ये फ्रैक्शन बिग होगा। क्लियर? नाउ सी पार्ट, 4/9, 4/7। सेम डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेक करो, विच वन इज स्मॉल, 9 और 7? 7। सो द फ्रैक्शन 4/7 इज बिग। क्लियर? 5/9 एंड 5/10। सेम डिनोमिनेटर सेम है, डाउन साइड 9 एंड 10, सो दिस फ्रैक्शन इज बिग। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ए पार्ट, 5/6 and 4/6। नाउ हेयर लुक इट, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपके सेम हैं, डिनोमिनेटर इज सेम, इट मीन्स विच प्रॉपर्टी अप्लाई, सेकेंड। और जब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। 4 और 5, 5 इज बिग, सो दिस साइड। नाउ बी पार्ट, 3/4, 1/4। सो डिनोमिनेटर सेम है, 3 and 1, 3 इज बिग, सो द फ्रैक्शन 3/4 इज बिग। क्लियर? नाउ सी पार्ट, 5/8, 7/8, कौन सा बड़ा है, 5 और 7? 7/8, राइट। डी पार्ट, 9/10, 7/10, विच वन इज बिग, 9 और 7? 9। क्लियर बोथ द प्रॉपर्टीज? सी बेटा, इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी वंस अगेन, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, इफ न्यूमरेटर इज सेम, सो यू विल चेक डिनोमिनेटर वैल्यूज, और डिनोमिनेटर वैल्यूज में जिसकी वैल्यू छोटी होगी, द वन विच इज हैविंग द स्मॉल वैल्यू दैट इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। ये से क्लियर होगा? सी लाइक यू आर हैविंग वन टॉफी, आपके पास एक टॉफी है एंड यू आर टू फ्रेंड्स। इन फर्स्ट वन आपके पास, आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप टॉफी को हाफ हाफ शेयर करोगे, राइट? नाउ यू गॉट हाफ। इफ यू आर द थ्री फ्रेंड्स और आप उस एक टॉफी से थ्री पार्ट्स करते हो तो आपको क्या मिलता, 1/3। तो आपको स्मॉल किस उसमें मिलती, 1/2 या 1/3 में? 1/3 में, एंड द बिगर वन इज 1/2। क्लियर? एक आप किसी चीज़ को हाफ में डिवाइड कर रहे हो, एक आप थ्री में डिवाइड कर रहे हो, एक आप फोर में, दैट डिपेंड्स एंड दैट मैटर्स ऑल्सो बेटा। सेम हेयर, फर्स्टली इन्होंने फाइव पार्ट्स को टू
सॉरी 5 parts में से 2 को टेकन कर लिया, 7 parts में से 2 को. सो विच वन इज बिग? 5 1 इज बिग ना. एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड डिनोमिनेटर सेम है, तो जो फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर की वैल्यू बिगर होगी वही फ्रैक्शन क्या होगा आपका? ग्रेटर होगा. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज चूज द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर. स्मॉलर फ्रैक्शनल नंबर अगेन 2 fractions आर गिवन, 1 is 3/5 एंड 1 is 3/7. सो यू विल टेल मी विच वन इज स्मॉलर. फर्स्ट कंडीशन चेक करो, न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम. हेयर न्यूमरेटर्स आर सेम. इफ न्यूमरेटर्स आर सेम सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई. न्यूमरेटर सेम है तो आप क्या चेक करोगे? डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा? बिग. और जिसकी वैल्यू बिग होगी वो फ्रैक्शन स्मॉल. सो 5 and 7, 7 इज बिग. बिग इट मीन्स फ्रैक्शन क्या होगा? स्मॉल. सो 3/7. बी पार्ट 5/7 and 5/9. सेम न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बिग होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा? स्मॉल. सो 5/9. सी पार्ट 4/9 and 5/9. नाउ वंस अगेन सी डाउन साइड, डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो व्हाट यू विल चेक? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर चेक करेंगे. न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू बिग होगी वो फ्रैक्शन बिग होगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल होगी वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा. सो 4 or 5, 4/9. डी पार्ट 5/8, 7/8. विच वन? 5/8. नाउ कम टू फोर्थ. चूज द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर. ग्रेटर फ्रैक्शनल नंबर राइट. फर्स्ट ए पार्ट 3/7, 5/7. वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन ग्रेटर. सेम फॉर ग्रेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है. न्यूमरेटर चेक करो, 3 or 5. 5 इज बिग सो फ्रैक्शन 5/7. बी पार्ट 2/5, 3/5. सेम 5/5 डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है. सो व्हाट यू विल राइट हियर? 3/5. सी पार्ट 5/8, 5/9. विच वन? 8 or 9? 8. यहाँ अपोजिट है, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है. न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? बिग होगा. फाइव बाई एट, 7/8. आंसर इज 7/8. क्लियर दिस 2 questions? नाउ कम टू नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. Now we have to arrange the fraction in the ascending order. A part. First part में fractions are better, 7/10 and 7/8. Right? We have to arrange them in the ascending orders. Now you will tell me denominator क्या है? numerator क्या है? Same है. तो हमें denominator की values में विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर. हुज़ वैल्यू इज स्मॉलर? द फ्रैक्शन इज ग्रेटर. डिनोमिनेटर 8, इट मीन्स दिस इज ग्रेटर.
10 is smaller. So ascending order, it is already arranged 7 by 10 and 7 by 8. Right? Now B part. 5 by 9, 2 by 9 and 7 by 9. Here, denominators are same and numerators are different. Numerators different है तो it means जो smaller number होगा वही smaller fraction होगा. 2 by 9, 5 by 9 and 7 by 9. Right? यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो न्यूमरेटर हुज वैल्यू इज स्मॉल द फ्रैक्शन इज स्मॉल. नाउ कम टू सी पार्ट. 4 बाय 9, 4 बाय 5 एंड 4 बाय 11. नाउ सी न्यूमरेटर सेम है सो डिनोमिनेटर में द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर द फ्रैक्शन इज स्मॉल. After that 4 by 9 then 4 by 5. Clear this? कि ascending order में क्या कैसे arrange करना है आपको. Ascending order में कैसे arrange करते हैं. Firstly we will write the smaller fraction. After that greater than greatest. Right? Same. In the first part numerator are same. 7 7 दोनों में है. Numerators क्या है same है. नाउ डिनोमिनेटर्स के टाइम पे रिमेंबर द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्जर है तो फ्रैक्शन क्या होगा स्मॉलर. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल है तो फ्रैक्शन क्या होगा लार्ज. तो 10 एंड 8, 10 इज लार्ज इट मीन्स फ्रैक्शन क्या है स्मॉल. 7 बाई 10, 7 बाई 8. इन बी पार्ट डिनोमिनेटर्स आर सेम न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट. राइट डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर डिफरेंट है. जस्ट न्यूमरेटर्स पे जब वो होता है बेटा कोई भी चीज़ आती है अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है और हमें न्यूमरेटर में चेक करना है तो हम न्यूमरेटर में आप सेम चीज़ याद रखो कि जो छोटा नंबर है वो छोटा है जब बिगर वन इज़ द बिग. क्लियर. लाइक 7, 5 एंड 2 विच वन इज स्मॉल. 2 आफ्टर दैट 5 कम्स देन 7 सो फ्रैक्शन विल बी सेम. Here 4 by 9, 4 by 5 and 4 by 11. Next term. In this numerator are same. इसमें क्या है numerator same है सब में denominator different है. अगर denominator different है तो आप क्या करोगे अगेन जो denominator बड़ा होगा वो fraction क्या होगा छोटा होगा. Which one is big? 11. So 4 by 11. After that 5 and 9. Which one is big? 9. So that is second. And third one it is the small so it comes at the last. Clear the part of ascending order. Now come to descending order. In descending order what we do? First we will write larger number, second small, then smaller, then smallest. Right? So the fraction are A 1 by 12, 3 by 12 and 5 by 12. Clear? In this part, look, denominators kya hai? Same hai. So numerator ki values jab hum check karte hai, to hum kya karte hai? Same rakhte hai. Jo smaller value hai, wo small fraction hoga. Jo greater value hai, wo ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इट मीन्स पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर. 5 बाय 12 आफ्टर दैट 3 बाय 12 देन 1 बाय 12. क्लियर द कंसेप्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट. 3 बाय 10, 6 by 10 and 5 by 10. Same here. Denominator same hai. And if denominators are same, so what you will do? First of all, check karenge which one is greater. 3, 6 and 5.
Right, 6 is greater. Then 3 and 5. 5 is greater than 3. Right, now next is C part. 3 by 4, 3 by 9 and 3 by 7. Now in this, they all are numerator's value is same in all fraction. हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू जो सेम है, तो डिनोमिनेटर में अपोजिट, डिनोमिनेटर में हुज वैल्यू इज स्मॉलर द फ्रैक्शन इज बिग, सो चूज विच वन इज स्मॉल. 4 9 7 4 इन 9 and 7 7 एंड देन 9. Clear this, how to arrange the number in the ascending and descending order. Now once again we will take a recall of this exercise. See beta, we have studied about this, how to order the fractional number. When we are ordering the fractional numbers, we have to remind two things. First one is, if two fractions have the same numerator, then the fraction with the smaller denominator is the greater fraction. जिसका denominator small होगा वो fraction क्या होगा? Greater होगा. If two fractions have same denominator, then the fraction with greater numerator is the greater fraction. And जब भी क्या होगा? Denominator same हो गए, तो जिसका fraction small है, जिसका number small है, numerator की value, वो smaller fraction होगा. Whose numerator value is greater, that is greater fraction, right? Now one more thing, that is types of fraction. What is that? Types of fraction. Next is types of fraction. Types of fraction. See beta, abhi aapne study किया फ्रैक्शंस, हाउ टू ऑर्डर द फ्रैक्शन, राइट? नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट वन, वी विल स्टडी टुडे 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन इज यूनिट फ्रैक्शंस. इसको हम टाइप में मेजर नहीं करते, बट हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं. अदरवाइज देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सेकेंड वन इज प्रॉपर. थर्ड वन इम्प्रॉपर. एंड फोर्थ इज मिक्स्ड. Mixed fraction. Right? So now, first we will study about unit fraction. Unit fraction is a fraction whose numerator is 1. Whose numerator is 1. Unit fraction whose numerator is one. Example, 1 by 4, 1 by 2, 1 by 3. जो भी फ्रैक्शंस जिनके भी न्यूमरेटर्स 1 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट मीन्स 1, एंड द वन हु इज हैविंग हुज न्यूमरेटर, नॉट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 1 है तो फ्रैक्शन क्या है? यूनिट फ्रैक्शन. सेकेंड टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से ही बता रहा है, प्रॉपर, जो क्या हो? प्रॉपरली हो. जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं 3 out of 10, 5 out of 10, मीन्स जिसकी भी डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर होती है न्यूमरेटर से, और यू कैन से न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. Whose value of
न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जिसकी भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस होगी. एग्जांपल्स 4/7, 8/12, 3/5. सी सब में डिनोमिनेटर्स की वैल्यू क्या है, वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है. प्रॉपर यू कैन लर्न विद द नेम दैट प्रॉपर मींस इट इज़ अ प्रॉपरली. कि आप ज़्यादा डाउन साइड हम क्या लिखते हैं, टोटल्स. अपर साइड द थिंग्स टेकन वेस्टेज, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. तो नीचे जो टोटल होगा अगर वो इससे न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो बिग होगी तो प्रॉपर कैसे होगा. अगर हम आपको 10 मार्क्स का टेस्ट है एंड आई विल गिव यू 11 आउट ऑफ 10, इट मेक्स एनी काइंड ऑफ सेंस? नो. सो दैट्स व्हाई प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस अ फ्रैक्शन हुज वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. क्लियर? नाउ थर्ड वन, इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? एज द नेम गिवन, इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं होते. दैट लाइक आई गिव द एग्जांपल्स 11/10, दैट इज इम्प्रॉपर, राइट? सो हुज वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, मोर देन डिनोमिनेटर, राइट? वो फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल्स 7/4, 9/8, 4/3, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर ना हो. क्लियर? यूनिट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, वही यूनिट फ्रैक्शन होगा. प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एज द नेम सजेस्टेड, इम्प्रॉपर मीन्स इट इज़ नॉट द प्रॉपर, हुज डिनोमिनेटर वैल्यू इज लेस देन न्यूमरेटर और हुज न्यूमरेटर वैल्यू इज मोर देन डिनोमिनेटर वैल्यू. जिसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर की है वो न्यूमरेटर से छोटी है, या जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर्थ एंड द लास्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. होल नंबर्स लाइक 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? सो होल मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई भी ऐसा होता है आपका, जैसे ये नंबर है 3, 1/4 में गिवन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको ऐसे गिवन है, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे इसी के साथ फ्रैक्शन, राइट? देन दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर? नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस. 3/1/4 को कैसे करोगे? 4 3 12, 12 प्लस, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड इन दिस प्लस. रिमेंबर दिस थिंग, 4 3 12, 12 and 1 13, 13/4. नेक्स्ट 2 3/2, सेम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 plus 3, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है उसको ऐड करो, 4 3 7, 7/2. क्लियर? दिस सिंपली आपको पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है,
लाइक देखो यहाँ पे एक नंबर है 4 1/6, हम इसको कैसे बोलते हैं, 3 1/4, 2 3/2, 4 1/6। पहले आप जो होल नंबर है उसको रीड आउट करोगे, 4 3 2, जो भी नंबर आपको गिवन है। नाउ हमें इसको इम्प्रॉपर, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपके ऐसे नंबर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर में नहीं होंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होंगे। सेम मल्टीप्लाई 4 6 24 प्लस 1 25/6। क्लियर दिस कंसेप्ट, दीज आर द टाइप ऑफ द फ्रैक्शंस एंड टुमोरो वी विल डू द क्वेश्चन ऑन दीज फ्रैक्शंस।